हेलो फ्रेंड, आज बनाऊंगे टमाटो सॉस। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है। घर पे केचप कैसे बनता है मैं बताऊंगी आज। फ्रेश टमाटो ले लेंगे, इसको मैंने अच्छे से धुल लिया है। ये एकदम पका हुआ टमाटो लेना है, एकदम रेड रेड टमाटर, और इसको 3 से 4 टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये छोटा साइज का टमाटर है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं इसको कट कर रही हूँ। देखिए मैंने सारा टमाटर को कट कर लिया है। इसके बाद मैं थोड़ा सा चुकंदर भी ले लूँगी, बीटरूट, इसको भी मैंने हाफ बीटरूट को कट कर लिया है। इससे अच्छा कलर आता है। और मैंने पैन रख दिया है, इसका गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है अभी मीडियम, और उसके बाद पानी इसमें डालेंगे, हाफ कप डालना है। पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, उसके बाद उसमें मैं चॉप्ड किया हुआ टमाटर डाल दूँगी। इसको थोड़ा थोड़ा मैश करते हुए इसको चलाएंगे। उसके बाद मैं बीटरूट भी डाल दूंगी, आप साथ में भी बीटरूट को डाल सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है टमाटो केचप का। और उसके बाद गार्लिक, लहसुन, थोड़ा सा लहसुन डालना है, बस टेस्ट आना चाहिए। उसके बाद अदरक ले लूँगी, 1 इंच तक अदरक लेना है। इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी, आप चाहें तो उसको अच्छे से कूट के भी डाल सकते हैं या इसको पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं अदरक का। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा ऑनियन ले लेना है, प्याज भी मैंने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है ऑनियन का, इसको भी अच्छे से मैं मैश कर लूँगी इसमें। देखिए बॉईल आ गया है। अगर 1 स्पून में इसमें शुगर डाल रही हूँ, चीनी 1 से 1.5 स्पून भी डाल सकते हैं आप। टमाटो केचप आपने देखा होगा थोड़ा सा टेस्ट करने पे मीठा मीठा लगता है। और उसके बाद मैं विनेगर डालूँगी, 2 से 3 स्पून विनेगर, और थोड़ा सा सॉल्ट 1/2 स्पून। सबको मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए कितना बॉईल आ गया है इसमें, एकदम करछी से इसको दबाते हुए मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको कवर करने के लिए रख देंगे। देखिए कवर होने के बाद मैं हटा के इसमें थोड़ा सा चिल्ली डाल दूंगी, सूखा मिर्च है ये, और चिल्ली फ्लैक्स भी आप डाल सकते हैं। देखिए ये चिल्ली फ्लैक्स है, चिल्ली को मैंने कूट लिया है, वही है उसका टुकड़ा। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी और 10 से 15 मिनट तक इसको कंटिन्यूस इसे पकाना है, ढक करके आप इसे पकाइए। सब कुछ मैंने डाल दिया है इसमें, तो कंटिन्यूस इसको पकाएंगे। एकदम लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है तो जल जाएगा ये। देखिए 10 से 15 मिनट हमारा हो गया है। इसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, और ठंडा होने के बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। देखिए 10 मिनट बाद ये ठंडा भी हो गया है। तो ये बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। इसके बाद मैं जार में डाल दूँगी मैं इसको, इसको ग्राइंड कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है एकदम बारीक। देखिए पेस्ट मेरा बनके रेडी है, और छन्नी की हेल्प से हम किसी भी चीज़ से इसको छान लेंगे, हम स्ट्रेन कर लेंगे। इसका जो मोटा मोटा वाला पार्ट है, जो टमाटो का बीज है और भी जो भी कुछ है, बाहर निकल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस एंड कमेंट। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे, हमारा स्ट्रेन पूरा हो चुका है, पूरा कचरा उसको डस्टबिन में डाल देंगे। और ये रेडी हो चुका है टमाटो केचप, ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।